करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 16 दिसंबर 2023 सैटरडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष। ये फ्राइडे को यानी जो लास्ट वीक खत्म हुआ है वहां पे जो डॉलर इंडेक्स का क्लोजिंग है वो है आपका 102.59 लेवल। मेजर इवेंट्स क्या क्या थे? यूएस सीपीआई डेटा, एफओएमसी रेट डिसीशंस, बीओई रेट डिसीशंस, ईसीबी इन रेट डिसीशंस, काफी सारे मेजर इवेंट्स थे। तो ये जो इवेंट्स थे सबको पता है सीपीआई डेटा क्या आया है, एफओएमसी रेट डिसीशंस में क्या आया है, ईसीबी एंड बीओई ने क्या किया है। हम ये देखेंगे उस सब डिसीशंस के बाद प्राइस में क्या इंपैक्ट आया है एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज आवर मेन इंटेंशन। तो ये इंटेंशन को देखते हुए पहले हम डिसिफर करेंगे डॉलर इंडेक्स वीकली क्लोजिंग है 102.59 लेवल पे, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया है विथ लिटिल प्राइस रिजेक्शन एट अ लोअर। अभी हम देखेंगे जो लो बनाया है वो है आपका एक सपोर्ट लेवल पे आके बाउंस किया है। लो कहाँ पे था? आपका था 101.77। अभी हम इसको फिब रिट्रेसमेंट्स डालेंगे फ्रॉम 10th जुलाई टू अक्टूबर 2nd अक्टूबर का जो एडवांसमेंट हुआ है प्राइस सेक्शंस में, तो वहां पे हम देखेंगे ये 61.8% रिट्रेसमेंट में जाके क्लोज दिया हुआ है एंड आरएसआई इज एट 41.78। तो कहने का मतलब क्या ये इस लेवल पे डॉलर इंडेक्स सपोर्ट लेके फिर कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा सा ऊपर जाएगा? देयर आर लिटिल चांसेस। अगर हम डेली चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो ये जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ये जो आप हल्का सा लाइट ग्रीन कलर का जोन देखोगे, कौन सा जोन है? ये है आपका 101.90 से 102.15 का जो सपोर्ट जोन है, वहां पे थर्सडे को एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है बट फ्राइडे को एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। जो कैंडल फॉर्म हुआ है दो कैंडलों का वो है आपका बुलिश हरामी, बट द साइज इज मच बिगर। लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे क्या फ्रॉम दिस प्राइस टू दिस प्राइस का जो रिट्रेसमेंट आया वो है 1.2750, यानी आप अगर देखोगे यहां से अगर इस लेवल तक खींचेंगे तो, और यहाँ पे हम बाकी सब को हटा देंगे एंड 1.27 को डालेंगे, तो आप देखो 1.27 में आके ये क्लोज दिया हुआ है। अगर आने वाले हफ्ते में मंडे ऑनवर्ड्स डॉलर इंडेक्स अगर 5 EMA के ऊपर क्लोज देते हैं, इन सच ए केस बुलिशनेस दिखा जाएगा, यानी डॉलर इंडेक्स मंडे से पॉजिटिव हो सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस? कि डेली कैंडल 5 EMA के ऊपर अगर क्लोज दे देते हैं तो यहाँ पे बुलिशनेस हम देख सकते हैं। बेयरिशनेस का सिनेरियो क्या है? अगर ये जो सपोर्ट जोन है 101.90 से 102.15 इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं, इन सच ए केस एक स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस हम देख सकते हैं। डॉलर रुपी कल के दिन एक जबरदस्त सरप्राइज पैकेज था जो आपका 83.38 से 82.97 में जाके क्लोज दिया है एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल। कल बेसिकली मार्केट में सबको एकदम हिला के रख दिया है। तो क्या हुआ है वो अगर देखेंगे, हाँ हमने यहाँ पे लेवल बताया है 82.38, ये ग्लोबल मार्केट का हाई है, लेकिन ये वीकली चार्ट, डेली चार्ट में जो हाई मारा है वो 83.33, ठीक है, मैं वीकली चार्ट देख रहा था इसीलिए हाई देख रहा था 82.22 का। सो कल के दिन क्या हुआ?
कल के दिन मार्केट आपका 83, 27, 28 में ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा टाइम के लिए 32, 33 तक कंसोलिडेट कर रहा था। सडनली एक ह्यूज इनफ्लो मार्केट में हिट हुआ, नॉट ओनली वन मल्टीपल, दो तीन फ्लोज इनफ्लोज मार्केट को हिट किया। एंड उस टाइम पे सरप्राइजिंगली जो इनविजिबल हैंड्स अपना बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिखाया, एक है इनविजिबल हैंड्स ने अपना बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिखाया, दूसरा वाला है जो ऑयल कंपनीज है वो लोग ने भी अपना बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसके कारण आपका ये जो डॉलर रुपी है, पहले 83.10 पे जाके सपोर्ट लिया, फिर कंसोलिडेट, पहले 83.18.19 पे जाके सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का प्रयास किया, फिर 83.10 पे जाके बाउंस बैक करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। फाइनली क्लोज्ड एट 83.82.97.19 में जाके। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट के लिए मैं एक डिटेल्स रुपी का व्यू लेके आएंगे एक्सक्लूसिवली फॉर द डॉलर रुपी पर्पस, जिसमें हम कोशिश करेंगे इसका व्हाट नेक्स्ट के बारे में सोचने के लिए। जीबीपी डॉलर में जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.2679। ये आरएसआई जो है वो है आपका वीकली 60 में जाके रेजिस्टेंस का ट्राई कर रहा है। सो अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो है आपका 1.2730 से 1.2750 का, वहां पे ये स्ट्रांगली ऊपर की तरफ क्लोज नहीं दिया है, रेदर ऊपर के लेवल पे, ऑल्दो इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.2793 बट ऊपर लेवल से प्राइस रिजेक्शन हुआ एंड क्लोज दिया 1.2679। सो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट का एक छोटा सा नजर डालने का प्रयास करेंगे, कल एक रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्शंस हुआ है। हमें अभी देखना है क्या ये इस स्विंग लो को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते, कौन सा स्विंग लो 1.25, 1.2510 का, ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगा, लेकिन ये जो कल और परसों का जो हाई है 1.279095 का, उसके ऊपर अगर बाउंस बैक करते हैं तो कंटिन्यू होगा ऊपर के तरफ के लिए। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर जो वीकली क्लोज दिया है 105.20, ये ऊपर के तरफ हाई ट्रेड किया था 106.50, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया एंड नीचे 105.20 पे आके क्लोज दिया। दैट बीइंग द केस, ये जो वीकली चार्ट का प्राइस रिजेक्शन है काफी शार्प रिजेक्शन है, जिसके कारण ये ऊपर की तरफ काफी सेलर्स गॉट एक्टिवेटेड। सो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट को लेने का प्रयास करेंगे, डेली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन एट द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, कौन सा रेजिस्टेंस जोन 106 है, 106.430 लेवल्स का। तो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में थोड़ा सा वीकनेस हम देख सकते हैं, अगर ये जो इमीडिएट स्विंग लो है 104.40 से 104.50 इस जोन को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको अगर ऊपर जाना है तो ये थर्सडे फ्राइडे का जो हाई है उसके हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अभी आते हैं यूरो डॉलर में जो वीकली क्लोज दिया है 1.0893, वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे ये ट्रेडेड हाई ऑफ 1.2009, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ रिजेक्ट किया है, आरएसआई आल्सो 60 के नीचे है। सो इस लेवल पे दोबारा चुनौतियां यानी चैलेंजेस मिलना लाजमी है। अगर डेली चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल एट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, जो अभी रिसेंट स्विंग हाई था वहां पे एक नेगेटिविटी आया है। That being the case, यहाँ पे तो रेंज मिला है एक ऊपर की तरफ 1.102030 एंड नीचे की तरफ आपका 1.074050। ये जब तक इस रेंज के अंदर में रहेगा साइडवाइज वॉलेटिलिटी रहेगा, एक बार नीचे की तरफ अगर आते हैं तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, बट एट डिफरेंट लेवल्स पे बाइंग सपोर्ट मिलेगा। अगर ये थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है कि इसके ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करने का, तो ऊपर के तरफ अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक नया टेरिटरी जो हमारा 1.1280 का है उधर के तरफ जाने का पॉसिबिलिटीज है। सो मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना है ये तीन मीन्स प्रोबेबिलिटीज में, पहला तो कंसोलिडेशन है लेकिन उसके बाद किधर
निकलते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। यूरो आईएनआर का जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 90.45, ये ट्रेडेड हाई ऑफ 91.67, लेकिन वीकली का प्राइस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। अगर हम डेली का चार्ट देखेंगे तो डेली में भी बियरिश एनगल्फिंग हुआ, जो थर्सडे का जो बुलिश मोमेंटम है पूरा का पूरा धो डाला है। दैट बीइंग द केस वॉश आउट कर चुका है। दैट बीइंग द केस हमारे यहाँ पे एक ऊपर की तरफ 91.8085 का एक ऊपर का रेंज मिला है एंड नीचे की तरफ 89.5060 का एक रेंज मिला है। ये जब तक इस रेंज के अंदर में होगा, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की साइडवाइज बोथ साइड चॉपी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एवरी डिप में बायर्स विल बी देयर। अगर ये हाई को तोड़ते हैं तो अभी का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 92.35 उसको चैलेंज कर सकते हैं। क्या होगा तीन प्रोबेबिलिटीज में नेक्स्ट वीक में वो हमें देखना है। अभी डॉलर येन का जो वीकली क्लोज दिया है 142.13, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है RSI एट 40.49। सो क्या ये RSI यहाँ पे सपोर्ट लेने का प्रयास करते हैं? लगता नहीं कि ये सपोर्ट लेगा। मंथली ऑल्सो RSI क्लोज्ड बिलो 60, हालांकि मंथली क्लोजिंग हुआ नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ इट इज 57.4, इट्स बिलो 60 आ चुका है। जब तक ये बिलो 60 नहीं आता तब तक ये मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी डेली में देखेंगे तो एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया हुआ है, विच इज ऑल्सो इन साइड बार एट ए प्रीवियस सपोर्ट, जो स्विंग लो बनाया हुआ था वहां पे। तो मंडे ऑनवर्ड्स क्या ये आपका थर्सडे के लो के नीचे कंटिन्यू करते हैं? थर्सडे के लो के नीचे कंटिन्यू अगर करेगा तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 137.70 से 138.70 का हो सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ आते हैं एनी अपटेक मे बी टुवर्ड्स 144 या 145, वहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। आप अगर पिछले हफ्ते का भी देखोगे 146.50 लेवल पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहीं से सेलिंग आया है। ये हो गया आपका डॉलर येन। येन आईएनआर, येन आईएनआर का जो वीकली क्लोजिंग है वो 58.36, काफी बुलिश कैंडल्स बैक टू बैक, पांच बुलिश कैंडल्स। सेकेंड वन इज नॉट बुलिश इन नेचर क्योंकि ज्यादा रिजेक्शन हुआ था, और लास्ट करंट का जो वीकली कैंडल है उसमें ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शन हुआ। दैट बीइंग द केस यहाँ पे आपका इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा रेजिस्टेंस जोन है? 59 से 59.75 का। क्या आने वाले हफ्तों में इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। इमीडिएटली जो RSI है वो 60 में आ चुके, 60.08, ऐसा ना हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आए, एक प्रोबेबिलिटी। डेली पे प्राइस अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम में है, बाय डिप्स मे बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। और कैंडी, डॉलर कैंडी का जो क्लोज दिया है 1.3375, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल। तो अभी अगर हम देखेंगे एक मंथली ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसके नीचे वीकली क्लोज देगा एंड फॉलो थ्रू देगा तो और भी खतरनाक डाउनवर्ड मूव हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा। डेली में अगर हम देखेंगे, डेली में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज दिया है। दैट बीइंग द केस एनी अपटिक में बी सोल्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। ऑसी डॉलर जो क्विकली क्लोज दिया है 0.6699, ये पिछले हफ्ते में जो हाई मारा है 0.6728, हमारा जो टारगेट था वो टारगेट मैच हो चुका है, फर्स्ट वाला टारगेट। सेकंड वाला टारगेट अभी भी बाकी है, कौन सा? 0.6780 से 0.6800, उधर अभी भी बाकी है क्योंकि RSI एट 57 तो इधर और ऊपर जाने का रूम है। यहाँ पे आने के बाद हमें नए सिरे से प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। और डेली में भी अच्छा खासा बुलिशनेस हमने देखा, बाय डिप्स में भी कंसीडर। CNH में 7.1225, ये वीकली क्लोज एक नेगेटिव कैंडल में दिया है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे। RSI एट 43.41, हमें देखना है 40 में क्या सपोर्ट लेते हैं या नीचे की तरफ
बाउंस बैक करते हैं। यहाँ पे देखने वाला चीज है कल का जो डेली कैंडल है, डेली कैंडल जो है एक पिनबार बनाया हुआ है व्हिच इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर एट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। RSI ऑल्सो डाइवर्जेंस में है, दैट बीइंग द केस यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटीज है कि ग्रेजुअली दोबारा ये जो रिसेंट स्विंग हाई है 7.19 उसको टेस्ट करने का पॉसिबिलिटीज है। अगर ये पिन बार के लो के नीचे यानी फ्राइडे के लो के नीचे ये सस्टेन करते हैं तो फर्दर डाउन मूव यहाँ पे आशा कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड जो फ्यूचर है वो वीकली क्लोज दिया है 77.24। यहाँ पे एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस, 4 बार डाइवर्जेंस देन पिन बार देन इस डाइवर्जेंस के हाई के ऊपर क्लोज देना, ये डेली आ चुका है, ये वीकली है। ओके So, यहाँ पे वीकली का जो चार्ट है एक पिन बार बनाया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इन नेचर एट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के बाउंस बैक करने के लिए ये जा सकते हैं। और डेली में भी एक कल फ्राइडे का जो थर्सडे का 15 दिसंबर सो फ्राइडे का जो हाई है उसके हाई के ऊपर हमें एक अपवर्ड बायस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट टुवर्ड 78.80 से 79.00 एंड उसको अगर तोड़ देगा तो ये आपका इस लेवल तक 84 की तरफ जाने का ताकत रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज US 10-year ट्रेजरी 3.913, अच्छा खासा वीकली क्लोज दिया है 3.91 पे, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल सबको तोड़ के 4 के नीचे आ चुका है एंड RSI एट 41.11। अभी हमें देखना है क्या ये थोड़ा सा पॉज लेते हैं RSI 40 में, ये हमें देखना पड़ेगा। मंथली ऑल्सो अबोव 60 से बिलो 60 आ चुका है, हालांकि मंथ का 15 दिन ही खत्म हुआ है और भी मंथली कैंडल क्लोज होने के लिए बाकी है। तो मंथली क्या दिसंबर एंड में RSI अबोव 60 से बिलो 60 में जाके क्लोज देते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। और डेली चार्ट में काफी नेगेटिविटी है, सेल अपटिक्स में भी कंसीडर। US 2-year ट्रेजरी जो वीकली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव के साथ क्लोज दिया है एट 4.449 पे, वो भी RSI 41.12 में आके आया है। सो हमें देखना है क्या वीकली RSI 40 में थोड़ा सा सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा पॉज लेते हैं क्या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। मंथली RSI अभी भी 60 के ऊपर है, 61.89 बाय द एंड ऑफ दिसंबर, इन दिसंबर मंथ का क्लोजिंग के टाइम में क्या RSI US 2-year ट्रेजरी का बिलो 60 आते हैं या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे टू डेली का जो चार्ट है एक डाइवर्जेंस आया है, 9 कैंडल का एक डाइवर्जेंस आया है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा अपमूव टुवर्ड्स 4.60 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी क्विकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, इन नटशेल डॉलर इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके हल्का सा बाउंस बैक कर सकते हैं। GBP डॉलर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे है, थोड़ा सा ऑल्दो पिछले हफ्ते में अच्छा खासा बाउंस बैक किया है तो फिर थोड़ा सा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर में भी एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल पे है, अभी एक जोन बनाया हुआ है ऊपर की तरफ आपका 1.1020 एंड नीचे की तरफ 1.0740, इस रेंज में वॉलेटाइल बिहेव कर सकते हैं। एंड डॉलर येन पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल RSI 40 पे आया है, क्या ये 40 में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है या ब्रेक डाउन करके तो फोड़ के 137-138 के तरफ आते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। दोस्तों अपना सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।